सबसे पहले बड़ी खबर है चक्रवात दाना को लेकर। चक्रवात दाना ने उड़ीसा तट पर दस्तक दे दी है। तेज हवाओं ने धामरा में भीषण तबाही मचाई है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, खास तौर पर जो इसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने के लिए मिल रहा है। और अभी धामरा को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है, यहाँ पर भीषण तबाही मचाई है तेज हवाओं ने। हालांकि पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था और यहां से लोगों को शिफ्ट भी करा दिया गया था, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं तबाही की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी चक्रवात दाना का असर देखने के लिए मिल रहा है पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, उड़ीसा में भी अलर्ट जारी हालांकि पहले से किया गया। उड़ीसा में खास तौर पर देखा जाए तो इसका इंपैक्ट ज्यादा दिखने वाला है। और अभी धामरा को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है, भीषण तबाही धामरा में देखने को मिल रही है। तेज हवाओं ने धामरा में भीषण तबाही मचाई है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के 14 जिले हैं जहां पर इसका खासा इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि आ चुकी इस तरह की सिचुएशन है, इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर भी एहतियात के तौर पर प्रशासनिक स्तर पर बड़े कदम उठाए गए हैं। लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। जो 14 जिले हैं जहाँ पर इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, वहां से लोगों को पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। राहत शिविर बनाए गए हैं लोगों के लिए, और साथ साथ जो मछुआरे हैं उन्हें यहाँ जो समुद्री इलाके हैं उनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। लेकिन अभी तस्वीरें यहाँ पर किस तरह की हैं ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तबाही की तस्वीरें जो अब सामने आने लगी हैं यहाँ से, और अभी आप ये देखिए जरा हवा की गति से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इम्पैक्ट इसका ग्राउंड पर दिख रहा है। उड़ीसा के कई इलाके हैं जहाँ पर दाना का असर आज भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर सुबह तक को लेकर ही अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से दाना को देखते हुए, और इसी वजह से 3 दिन के लिए यहां पर स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। तेज हवा और भारी बारिश का दौर यहां पर चल रहा है। आईएमडी के अनुसार तेज हवाएं चलेंगी। हवाली खाटी नेचर कैंप को पार कर रहा है, धामरा के पास उत्तरी उड़ीसा तट को भी पार कर रहा है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पार कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने, तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है कई इलाकों में। किस तरह से इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पेड़ झुक गए हैं, इतनी तेज हवा है। और आप ये समझिए कि अभी ये बताया जा रहा है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ीसा तट को पार कर रहा है। जो उत्तरी उड़ीसा तट है उसे यहां से पार कर रहा है। धामरा के पास इस वक्त इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तेज हवा यहां पर चल रही है और ये बताया जा रहा है हवाली खाटी नेचर कैंप को फिलहाल ये पार कर रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है तेज हवा यहां पर चलती हुई। आईएमडी के अनुसार पहले इस बात की आशंका जाहिर की गई थी कि इसी तरह का इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, भारी बारिश हो सकती है और तेज हवा चल सकती है। वैसी तस्वीर यहां पर हवाली खाटी से देखने को मिल रही है। हवाली खाटी नेचर कैंप को फिलहाल ये पार कर रहे हैं धामरा के पास उत्तरी उड़ीसा तट के पास की ये तस्वीरें, और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है जिससे ये वाला जो एरिया है इसे पार कर रहा है। हवा बहुत तेज यहां पर चल रही है, बिजली गुल हो गई है, लोगों को थोड़ी दिक्कतें यहां पर जरूर आ रही हैं। लेकिन अभी प्रशासनिक स्तर पर सरकार की तरफ से बात की जाए तो तमाम कदम यहां पर दाना को देखते हुए इस वक्त उठाए जा रहे हैं। उड़ीसा से बड़ी खबर है, भद्रक में तेज हवाएं और बारिश जारी है। चक्रवात के चलते उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पेड़ उखड़ गए हैं। चक्रवात दाना का लैंडफॉल यहां पर शुरू हो गया है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, उड़ीसा के कई हिस्से हैं जहां पर पेड़ उखड़ गए, इस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। हालांकि अभी भी मौसम का जो मिजाज है वो इसी तरह का बना हुआ है, और वो जो अभी यहाँ पर देखिए, चाहे तेज हवाओं की बात करें, बारिश के दौर की बात करें, दाना का ही इम्पैक्ट है कि यहाँ पर तेज हवा और भारी बारिश देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इससे पहले दाना को लेकर ही आई अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया था, और अभी कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पेड़ उखड़ गए हैं, पेड़ झुक गए हैं, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। और इसी वजह से उड़ीसा के कई हिस्से जहां से इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर पेड़ उखड़ गए हैं चक्रवात के चलते। अभी भी तेज हवा चल रही है, बारिश चल रही है, खासतौर पर इसका जो इम्पैक्ट है उड़ीसा में देखने के लिए मिल रहा है। और इसी वजह से यहां पर ये देखिए लाइव तस्वीरें दाना तूफान की हम आपको दिखा रहे हैं। दाना तूफान की दस्तक ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बहुत तेज हवा यहां पर चल रही है। आप ये तस्वीर के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं, पेड़ बहुत ज्यादा यहां पर झुक गए हैं, और अब जिस तेजी के साथ ये हवा चल रही है ये इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा। यहाँ पर भारी बारिश हो रही है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दाना तूफान की दस्तक की उड़ीसा से तस्वीरें इस वक्त लाइव आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
खासतौर पर ओडिशा के कई इलाके और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो करीब करीब 14 जिले हैं जहां पर इसका खासतौर पर इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। पेड़ उखड़ गए हैं और जो समुद्री इलाके हैं वहां से भी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि तूफान दाना को लेकर हाई अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था और अभी भी हाई अलर्ट है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया गया है। दोनों राज्यों के सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम मोहन मांझी, सीएम ममता बनर्जी ने मीटिंग की है, कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। लगातार देखिए, चाहे सीएम ममता की बात की जाए, सीएम मोहन की बात की जाए, तो अधिकारियों के संपर्क में लगातार है। जहां पर इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है वहां पर टीमों को और ज्यादा अलर्ट पर कर दिया गया है। और अभी एक बार फिर से अहम जानकारी है इस वक्त मिल रही है पश्चिम बंगाल उड़ीसा को लेकर कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जहां जहां पर इसका इंपैक्ट ज्यादा है वहां पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं दाना तूफान की दस्तक को लेकर उसके बारे में लगातार अधिकारियों से बातचीत चल रही है। उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, वक्त रहते लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट ग्राउंड पर किस तरह का है उसको लेकर भी लगातार दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से लगातार चर्चा की जा रही है, नजर है उस पर। और ऐसे में ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से इसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। उड़ीसा के कई इलाकों में इस वक्त तेज हवा चल रही है और तेज बारिश हो रही है। इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। बिजली यहां पर गुल हो गई है और जो यातायात सेवा है उन पर खासा इंपैक्ट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है दाना की वजह से। हालांकि ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दाना तूफान की दस्तक की, ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो पहली तस्वीर है, भारी बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है। दूसरी तस्वीर में भी आपको कुछ इसी तरह का नजारा यहाँ पर नजर आएगा। दाना की दस्तक की ये तस्वीरें और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवा चल रही है और आप ये जो स्पीड है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा का रुख किस तरह का यहाँ पर है। अभी दाना का इंपैक्ट किस तरह का है ग्राउंड पर, ये दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए। हालांकि जो समुद्री इलाके हैं उन्हें पूरी तरह से पहले ही खाली कराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर तौर पर जनता पर इसका इंपैक्ट जरूर देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि यातायात पूरी तरह से प्रभावित, बिजली गुल हो गई है कई इलाकों में। इस तरह से इसका इंपैक्ट यहाँ दाना को लेकर दिख रहा है ग्राउंड पर। हाई अलर्ट हालांकि पहले से ही जारी है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, दोनों ही जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर अगर इसका इंपैक्ट देखा जाए धामरा के आसपास ज्यादा नजर आ रहा है वहां पर, हालांकि चूंकि ये जो समुद्री इलाका है उसको पार कर रहा है और इसी वजह से इस वक्त वहां पर इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तेज हवा चल रही है और बहुत तेज आंधी चल रही है। पेड़ जरा आप देखिए कितनी तेजी के साथ हिलते हुए और आप झुक गए हैं ये पेड़, क्योंकि हवा का रुख ही बहुत ज्यादा तेज है। तो इस तरह से इसका ग्राउंड पर इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग जो इलाके हैं वहां को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो अधिकारी हैं उनसे लगातार चर्चा की जा रही है इन हालातों को लेकर। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दाना का जो इंपैक्ट है ग्राउंड पर वो किस तरह का दिख रहा है। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हालांकि आपको ये बताएं कि पहले ही भद्रक को लेकर, देखिए भद्रक के कामरिया से जानकारी ये भी मिल रही है कि तेज हवा और भारी बारिश ने वहां पर तबाही मचा दी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडफॉल शुरू हो चुका है। पिछले दो महीनों में भारतीय तट पर आने वाला ये दूसरा चक्रवाती तूफान है और इससे पहले अगस्त के अंत में भी क्षेत्र को चक्रवात असना ने प्रभावित किया था और अब दाना का इंपैक्ट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है।